नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा, हमारे केकेएल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि झारखंड में कैबिनेट ने 1932 में खतियान पर अपनी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही झारखंड में स्थानीय वही होंगे जिनके पास 1932 का खतियान है। बुधवार को हुई कैबिनेट में की बैठक में राज्य स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान और झारखंड में स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक एवं अन्य सभी लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन को मंजूरी दी गई है। आखिरकार क्यों चर्चा में आया है 1932 का खतियान? क्या आप जानते हैं कि नहीं कि 1932 का खतियान ही का ही क्यों जिक्र किया जाता है? नहीं ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्थानीय नीति के मामले में 1932 का खतियान चर्चा पर क्यों है। झारखंड में 1932 के खतियान पर मुहर लगाते ही जश्न का माहौल। सीएम बोले, एक एक समस्या का होगा समाधान। तो झारखंड में स्थानीय की पहचान को लेकर 1932 के खतियान पर कैबिनेट ने मुहर लगाते ही जश्न का माहौल दिख रहा है और आदिवासी संगठन सीएम हेमंत सोरेन का आभार प्रकट कर रहे हैं। और वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जेएमएम शिबू सोरेन से आशीर्वाद भी लिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेते हुए कहा है कि बाबा 1932 का खतियान आप ही की देन है और कहा है कि हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाया था। आज उसी का असर है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड गौरव और सम्मान के साथ झूम रहा है। झारखंड में कैबिनेट से 1932 का खतियान का प्रस्ताव पारित होने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल दिख रहा है और देखा जा रहा है कि गोड़ा में जेएम कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। इस दौरान मांदर और ढोलक की थाप पर जमकर थिरके हुए जश्न मनाया। वहीं धनबाद में भी जश्न का माहौल है। झारखंड सरकार के कैबिनेट से 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति एवं ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने का विभिन्न पार्टियों ने जिला भर में नेताओं का स्वागत किया। कहीं मिठाई बांटी गई तो कहीं आतिशबाजी की गई। मसोस के केंद्र महासचिव हलधर महतो ने कहा कि ऐतिहासिक का दिन है और शहीदों का सपना आज पूरा हुआ। अब राज्य सरकार वैकेंसी निकाले और यहां के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी दे। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी मांग थी, इस सरकार से लोगों की उम्मीद लगी हुई थी जिसे हेमंत सरकार ने पूरा कर दिखाया। झारखंड कैबिनेट से 1932 के खतियान पर मुहर लगते ही पूर्वी सिंहभूम में भी जश्न का माहौल बनाया गया है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। अब वही फिर रांची के बुंडू नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान हेमंत सोरेन सरकार की वादा पूरा करने की खुशी में विधायक विकास कुमार मुंडा के नेतृत्व में आभार रैली निकाली गई। इस दौरान एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी जाहिर किया। वही विधायक विकास मुंडा ने सीएम का भी आभार जताया। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग अब तेज हो रही है और अब इस मांग को लेकर झारखंड से एक रथ निकाली जा रही है जो झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी और वहीं अपनी इस मांग से अवगत कराएगी। इस रथ यात्रा में 5 से 7 युवा भी सवार हैं जो हर जिले में जाकर मुख्य शहरों में चौराहे पर लोगों को खतियान आधारित स्थानीय नीति का महत्व समझाएंगे। इस यात्रा के शुरू होने से पहले इमाम सफी ने हमें फोन कर बताया था कि हमारी कोशिश है कि इस वक्त माहौल बन रहा है उसे सहज कर सकें। हम नहीं चाहते कि हम सभी लोग आपस में विवाद करें, लेकर लड़ते रहें। और अगर खतियान की आधारित स्थानीय नीति लागू होगी तो भाषा का विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।